2027 में भी कांग्रेस की सरकार बनेगी और 2032 में मुख्यमंत्री जी ने वादा किया है पूरे प्रदेश से कि हम कर्ज मुक्त जो है हिमाचल को बनाएंगे। नमस्कार, मैं प्रवीण दुबे आपका फैसला न्यूज चैनल से आपका स्वागत करता हूं। हमारे बीच में बैठे हैं श्री अनुराग शर्मा जी, जो सेवा दल हिमाचल प्रदेश के प्रमुख हैं और बहुत समय से ये हिमाचल सेवा दल की के साथ अपनी टीम के साथ पूरे हिमाचल में अपना सेवाएं दे रहे हैं कांग्रेस के लिए। आप सभी का स्वागत है, मैं आपका स्वागत करता हूं। आपको सबसे पहले नवरात्रों की शुभकामनाएं और पूरा प्रदेश जो है इस माता रानी के नवरात्र पर्व से आज गुजर रहा है और मैं मनोकामना करता हूं माता रानी से कि पूरे प्रदेश के जो लोग हैं, प्रदेश की जो जनता है, आने वाले समय में उनको सुख समृद्धि मिले और हमारा प्रदेश जो है विकास की गाथाओं के और ऊंची उड़ान हो रहे। जय हिंद, नमस्कार। आज हम ऐसी शख्सियत से आपको मिलाएंगे जिन्होंने कांग्रेस के लिए बहुत जमीनी स्तर से काम किया है। उनका नाम है अनुराग शर्मा जी, प्रदेशाध्यक्ष हैं सेवा दल में और कई वर्षों से अपने कार्य में जुटे हुए हैं। इनका राजनीति में, चाहे चुनावों में हो, चाहे कार्य क्षेत्र की जनता के लिए हो, इनका बहुत योगदान रहता है। उनसे चर्चा करेंगे कि राजनीति के ऊपर कैसी कैसी योजनाएं चला रही है कांग्रेस, क्या क्या क्षेत्र में उनको उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। तो मिलते हैं अनुराग शर्मा जी से। शर्मा जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले नवरात्र की शुभकामनाएं आपको। बहुत सर, ये बताइए कि ये जो लोकतंत्र का हमेशा 5 वर्षीय पर्व होता है, इसके ऊपर कुछ बताएंगे आपकी। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि भारतवर्ष, हिंदुस्तान की आजादी के समय से लेकर कांग्रेस की विचारधारा ने पूरे देश को अपने विकास की सोच से, अपनी बलिदान की आहुतियों से जो है सींचा है और लोकतंत्र को हिंदुस्तान में सबसे सुदृढ़ अगर किसी ने बनाया है वो कांग्रेस की विचारधारा रही है। आजादी के समय से लेकर हमारे जो शीर्ष नेतृत्व रहा है पूर्व में, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी की बात कर रहा था मैं, नायडू जी, सरदार वल्लभ पटेल जी और उसके साथ साथ भगत सिंह जी, जिन्होंने सभी ने बलिदान दिया कई वर्षों से, इस जब इस देश में एक सुई तक नहीं बनती थी, आज ये देश जो है इंदिरा गांधी जी की सोच पर, राजीव गांधी जी की सोच पर और हमारे शीर्ष नेतृत्व की सोच पर जो है आज यहाँ तक पहुँचा है। और मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र सबसे अगर आज तक प्रभावशाली रहा है पूरे विश्व में, वो भारत का लोकतंत्र रहा है। अब लोकतंत्र के मायने हम देख रहे हैं कि थोड़ा, जिसको कहते हैं कि एकदम से विपरीत दिशा की ओर चले गए हैं। अब पूरे देश में एक ऐसी ताकतों ने कब्जा कर लिया है जो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। और मैं तो समझता हूँ कि जो समय भी चल रहा है, जो देखने में आया है पिछले कई वर्षों में, पिछले 10 वर्ष से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भाजपा की सरकार है और भाजपा की सरकार की जो सोच है या इसके पीछे आरएसएस की जो सोच है, वो देश को विभाजन करने की सोच है, देश को बांटने की सोच है। इस तरह से कि तोड़ने की या जोड़ने की, ये बड़ी, मैंने भी सुना है कि कांग्रेस हमेशा जोड़ने का काम करती है और भाजपा हमेशा तोड़ने का काम, ये कैसे, मैं समझा नहीं, थोड़ा सा बताएं। देखिए, भारतवर्ष जो है एक विभिन्न, जिसको कहते हैं राजाओं के काल में बटा हुआ था, छोटी छोटी रियासतें थी, तो भारतवर्ष को बनाने में एक एक रियासत को जोड़ के जो है पूरे भारतवर्ष हिंदुस्तान की तस्वीर बनाई गई, वो किसने बनाई, वो कांग्रेस की सोच ने बनाई। और उस समय जो आरएसएस के लोग थे और भाजपा के लोग थे, वो मुखबिर थे। किसके मुखबिर थे? जिन्होंने इस देश को गुलाम बनाया था, वो बाहर की ताकतें थी, उन्होंने हमारे देश को गुलाम रखा था। आपका कहने का मतलब है कि उनकी सोच हमेशा नेगेटिव रही है। आप देखिए, जब भी आरएसएस का जन्म हुआ, आरएसएस का जन्म 1925 में हुआ, उस समय से लेकर अगर आज तक की इनकी आप गतिविधियां देखेंगे, इनकी सोच देखेंगे, हमेशा विभाजनकारी रही है।
तो भाजपा तो ये भी बोलती है कि धर्म और भ्रष्टाचार तो कांग्रेस की देन रहा है। नहीं है सर, कभी भी आज तक आप देखिए पिछले 70 सालों की अगर हम बात कर रहे हैं, धर्म के रूप में सबसे बड़े मैं समझता हूँ कि ठीक है हम लोग जो है इसको कोई ये धर्म जो है दिल से होता है, ये धर्म कोई शो करने की चीज नहीं है कि मैंने राम का नाम ले लिया तो मैं धर्म के अनुयायी बन गया या राम नाम से कोई पेटेंट मान ली। भाजपा क्या आज क्या सोच रही है कि राम नाम को हमने पेटेंट करा लिया, ये धर्म की राजनीति है। धर्म के साथ साथ जो धर्म को बांट रही है, आज आपने हमने एकता में परोया, हमने कहा जो सर्वधर्म यहाँ पर है वो हिंदुस्तान की साख है पूरे विश्व के अंदर। आपका कहने का मतलब है कि कांग्रेस हम सभी धर्मों को साथ लेकर चलती है। बड़ी बात, ये निश्चित तौर से आपने आपका तो कांग्रेस का चित्र जो है यही रहा। हमारा अगला सवाल दुबे जी करेंगे, हमारे वरिष्ठ मतदाता। अनुराग जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ये क्वेश्चन है, 2024 में हिंदुस्तान की राजनीति में सबसे बड़ा पर्व जो इलेक्शन आ रहा है उसमें भाजपा ने मंडी सीट से कंगना रनौत को उतारा है। एक तरफ धरती पुत्र है विक्रमादित्य जी, दूसरी तरफ है हिमाचल की बेटी कहती, वो जो द्वंद्व चला है उसके बारे में आप क्या कहना चाह रहे चाहेंगे? देखिए कंगना रनौत हमारी बहन है, हमारी बेटी है, हम उसका स्वागत करते हैं। और मैं समझता हूँ राजनीति जो है बड़ी मुद्दों पर आधारित राजनीति होनी चाहिए, आपकी सोच पर आधारित राजनीति, आप चाहते क्या है राजनीति में आकर, आप चाहते क्या है। उससे पहले वो हमारी बॉलीवुड में बड़ी अदाकारा रही हैं, उनको बड़े अवार्ड भी मिले, मैं उनको आपके माध्यम से शुभकामनाएं भी देता हूँ। परंतु जब आप राजनीति में आए हैं तो सबसे पहले आप राजनीति को पढ़कर आइए कि राजनीति में आप किन विषयों को लेकर क्या सोचकर आप राजनीति में आए हैं, और आप सिर्फ फिल्मों की तरह स्टंटबाजी करो या कुछ इधर उधर के डायलॉग बोल दो, वो राजनीति में असर नहीं चलता है। क्योंकि हिमाचल की जो जनता है ये बड़ी प्रबुद्ध जनता है, इनकी सोच जो है, हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, हमारी सोशल बॉन्डिंग बड़ी स्ट्रांग है, और जिस तरह से ये फिल्मांकन करना चाह रही है राजनीति का, वो मैं समझता हूँ हिमाचल प्रदेश में होने वाला नहीं है। और दूसरी सलाह मैं इनको जरूर देना चाहूँगा, आप जिस शख्सियत के बारे में बात कर रहे हैं उनकी एक लेगेसी है पूरे पूरे हिमाचल में, उसके बाहर निकल भी पूरे देश में। आपका कहने का मतलब है वो खानदान राजनीति से कई वर्षों बिल्कुल देखिए आप 6 वर्ष 6 बार जो है इस प्रदेश का नेतृत्व एज ए मुख्यमंत्री किया, और उन्होंने हिमाचल प्रदेश को एक विकास की गाथाओं पर लेकर गए, वहां तक पहुंचाया। आज उनके परिवार के व्यक्ति क्या कंगना जानती है कि कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है उस लोकसभा में? नहीं, मैं देखिए मैं बात ये कहना चाहूंगा कि उनको तो अभी राजनीति में खासकर जो उनका अपना घर है, मैं तो अगर आज वो आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि अगर अपने बूथ का नंबर और नाम भी बता पाएंगे तो मैं समझता बड़ी गर्व की बात होगी। और कहीं ना कहीं ये सब चीजें जो है हर आदमी जानता है, और आप एक लेगेसी के साथ आप आइए, आप मुद्दों पे आइए, विकास की राजनीति करिए, हम आपका स्वागत करते हैं, और जो जनमत होगा, जनाधार होगा, जो बहुमत होगा, उसको हम सभी से बात करने के लिए तैयार बैठे। अनुराग जी दूसरा ये पूछना चाहूंगा, पूरे प्रदेश में राजनीति के जो अभी इलेक्शन आ रहे हैं उसमें सेवा दल कहाँ अपने आप को खड़ा समझता है? कांग्रेस सेवा दल का इतिहास आजादी के समय से रहा है, और कांग्रेस का सबसे पुराना अगर कोई फ्रंटल है तो कांग्रेस सेवा दल है। कांग्रेस सेवा दल हमेशा से अनुशासन, समर्पण और त्याग के लिए माना जाता है, और कांग्रेस सेवा दल की विचारधारा और कांग्रेस की विचारधारा, हम सब मिलकर जो है एक धरातल पर काम करते हैं, और हमारे जितने भी वॉलंटियर्स हैं वो सब प्रशिक्षण के थ्रू जो है पार्टी में प्रवेश करते हैं, और उस प्रशिक्षण के माध्यम से हम सबसे पहले हम अपने पंचायत और बूथ स्तर पर काम करते हैं। और अभी पिछले 15 वर्षों में जो हमारी सरकार ने कार्य किए हैं, माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में जो सरकार ने कार्य किया, उनकी पूरी टीम ने, मुख्यमंत्री माननीय अग्निहोत्री जी और सभी हमारे विधायक और सभी जो हमारे मंत्री हैं, सभी ने एक टीम के रूप में जो है हिमाचल प्रदेश को विकास की ओर ले जाने का जो है अपना अहम योगदान दिया है। मैं आपको थोड़ा कहना चाहूंगा कि देखिए काफी चर्चा है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू एक अच्छे मुख्यमंत्री के तौर पे नहीं करेंगे, क्योंकि उनका हाल ही में देखा गया कि 9
तीन तो विधायक निर्दलीय थे वो भी भाजपा चले गए, और छह हमारे कांग्रेस के जो कि अपने आप को एक स्तंभ मानते थे, अच्छी लीड भी दिलाई उन्होंने और अच्छा काम भी किए थे एक क्षेत्र में, वो क्यों चले गए? इसका क्या कारण है? कि मुख्यमंत्री में कुछ कमी रही या फिर उनके अंदर? ये थोड़ा सा माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखेंद्र सिंह सुक्खू जी का संघर्ष जो रहा है, संघर्षवर्त का जीवन रहा है, और वो बड़े ही एक साधारण परिवार के व्यक्ति व्यक्तित्व के मालिक हैं और साधारण परिवार से वो आते हैं, ये सभी जनता को जानते हैं। और हमने तो यूथ कांग्रेस से लेके और NSC से लेके उनके साथ कार्य भी किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो भी कार्यकाल रहा है वो सबसे पूरे देश के अंदर मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री के रूप में उनका पहला स्थान प्राप्त होना चाहिए, सराहनीय कार्य रहा है। हमारी सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के रूप में जो ठाकुर मैं इस बात पे आता हूं कि भाजपा की सोच, भाजपा ने हमेशा से, ये इतिहास है भाजपा का, राजनीति का व्यापारीकरण किया है। आप देखेंगे पिछले 10 वर्षों में कई देश प्रदेशों में उन्होंने सरकार गिराने की कोशिश की, गिराई और गिराकर अपनी सरकार बनाई और वहां पर सिर्फ धनबल की राजनीति की। ऐसा ही मैं समझता हूं कि हिमाचल प्रदेश एक देवभूमि जिसको बोलते हैं, हम छोटे से प्रदेश देवभूमि के लोग हैं, भोले वाले लोग हैं, हमारे संस्कार, हमारी हिमाचल की हिमाचलियत जो हर देश विदेशों में डंका बजाती है, उसके साथ भी इन लोगों ने अपने धनबल का प्रयोग किया। इनकी सोच थी कि हम सरकार को स्थिर करें और जो आम परिवार से व्यक्ति बना है, इस प्रदेश का मुख्यमंत्री नेतृत्व कर रहा है, उसको स्थिर करें, और उसमें ये कामयाब होने जा रहे थे। अब जो हमारे विधायक थे, विधायकों को मैं समझता हूँ अगर कोई उनके उनके मन में कोई बात थी और उनके मन में इस तरह की बात थी, वो बैठते आते व्यापारी, व्यापार से राजनीति में आए हैं। अब राजनीति से क्या कर रहे हैं? व्यापार। हमारी कांग्रेस की विचारधारा ऐसी, हम जनसेवा के लिए आए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई वर्षों 40 वर्ष का संघर्ष देखा है, किया है। जितने हमारे आप देख लीजिए जो टीम है मुख्यमंत्री जी की, सब संघर्ष करके जो है आज इस जगह पर पहुंचे हैं, और सभी ने हिमाचल के लिए 15 महीनों में जो कार्य किया है, वर्ल्ड बैंक की बात कर ले आप, उन्होंने सराहा है। बड़ी बड़ी NGO और संस्थाओं ने मुख्यमंत्री को अवार्ड दिया। पहली बार आपदा आई, आप बताइए भाजपा ने क्या 1 रुपए की मदद की? मुख्यमंत्री जी ने 4500 करोड़ का जो पैकेज अपने स्वयं किस तरह से अपनी कटौतियां करके जो है प्रदेश के लिए मुहैया कराया। आपका कहने का मतलब है उन्होंने खुद के बलबूते के ऊपर एक समाज के लिए अच्छा संदेश भी दिया, उनके साथ हमेशा खड़े रहे हैं, बिल्कुल कहने का मतलब। लेकिन कहीं ना कहीं क्या वो भी वीरभद्र की राह पे चल रहे हैं? वीरभद्र को तो दुनिया आज भी याद कर रही है और आज भी उन्हें याद किया जाता है कि जब क्षेत्र में कुछ ऐसी हलचल होती है तो राजा वीरभद्र का नाम जरूर आता है कि वो एक बहुत अच्छे राजनीतिज्ञ थे, हर हमेशा लोगों को, गरीब तबके को हमेशा वो देखते थे। ये आज भी क्या राजनीति में उनका थोड़ा होगा? देखिए राजनीति की शुरुआत जब होती है तो ऐसे ही होती है, और जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने अभी स्टार्टअप किया है, आप देखिए उनका विजन, देखिए पूरे प्रदेश को जो हरित ऊर्जा प्रदेश बना रहे हैं आज, इस बात ये पूरे देश के अंदर पहला प्रदेश हमारा बना, ग्रीन राज्य की ओर लेके जा रहे हैं। जब आदमी राजनीति स्टार्ट करता है अपने संघर्ष के जीवन से आके और जब जनसेवा की ओर बढ़ता है, जनसेवा तो हम कर ही रहे थे, अब एक मुख्यमंत्री के रूप में जनसेवा कर रहे हैं प्रदेश को, जो उन्हें उनका जो विजन है विकास का, आप देखिए MSP दिया प्रदेश में, पहला प्रदेश था, दूध की बात थी, आज OPS, आज देख लीजिए पूरे देश में अगर OPS कहीं लागू है हमारे प्रदेश में लागू है। हमारी प्रदेश की सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी युवा वर्ग के लिए चिंतित हैं, किसान वर्ग के लिए चिंतित हैं, मजदूर वर्ग के लिए चिंतित हैं, कर्मचारी वर्ग के लिए चिंतित हैं, महिलाओं के लिए चिंतित हैं। उन सबको देख के आप देखिए कि हमने जो 10 घंटे दी थी उसमें से 5 घंटियां जो है आज हमने इस प्रदेश में पूरी की, और अभी 3.5 वर्ष का समय है, और विकास जो है निरंतर जो है प्रक्रिया है जनसेवा करने की, और हम धीरे धीरे उस पर बढ़ रहे हैं। और मैं आपको एक बात और यहाँ स्पेशल आपसे कहना चाहूंगा आज इस मंच के माध्यम से, कि जिस तरह से पूर्व में राजा बीरेंद्र सिंह जी ने एक लंबा समय राजनीति में दिया है, आप देखेंगे आने वाले 2027 में भी कांग्रेस से सरकार बनेगी, और 2032 में तो मुख्यमंत्री जी ने वादा किया है पूरे प्रदेश से कि हम कर्ज मुक्त जो है हिमाचल करेंगे। ये हमारी सोच है, ये हमारा विजन है, और इसको लेकर हमारी सरकार और हमारे सभी कांग्रेस के वर्कर और कांग्रेस की टीम और सरकार की टीम कार्य कर रहे हैं। आप मतदाताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे और कांग्रेस के खासकर कार्यकर्ताओं के लिए?
देखिए, मैं तो एक आग्रह करना चाहूँगा, एक निवेदन करना चाहूँगा कांग्रेस के मतदाताओं से भी कि वो बढ़ चढ़ कर जो हमारी 15 महीने की सरकार ने कार्य किए हैं और पिछले 10 वर्ष की केंद्र सरकार ने और पिछले 5 वर्ष की भाजपा सरकार हिमाचल प्रदेश जो कार्य किए हैं उनको लेकर जो उनकी विफलताएं रही हैं तुलना उनकी तुलना के साथ जाए 15 वर्ष की जो 15 जो हमारी महीनों की जो विकास की गाथा लिखी गई है उनको लेकर जो है वो जो मतदाताओं के बीच में जाए और उनको बताएं कि केंद्र किस तरह से विफल रही है पिछले 10 वर्षों में केंद्र में। और अब मैं समझता हूं कि जनता ज़्यादा जुमलों में झूठ में बहकावे में आने वाली नहीं है और कार्यकर्ताओं के साथ भी एक बड़े संदेश के साथ हम ये बात करना चाहेंगे कि आने वाला जो 2024 है इसमें 2024 की चारों जो सीटें हैं हमारी लोकसभा की वो भी और उसके साथ साथ जो 6 महत्वपूर्ण जो बाई इलेक्शन हो रहे हैं विधानसभा के हमारे उनको भी हम जीतेंगे और कार्यकर्ता पूरी तरह से उत्साहित हैं और हमारे मतदाता भी बड़े प्रबुद्ध हैं, वो जानते हैं कि सच क्या है और झूठ क्या है। आज की इस विशेष चर्चा में अनुराग जी ने ये साबित कर दिया है कि कांग्रेस ने कभी भी किसी भी क्षेत्र या किसी जनता के साथ कोई भेदभाव नहीं किया है, इन्होंने हमेशा ही जोड़ने की कोशिश की है और इनका ये भी कहना है कि भाजपा जब भी आती है कुछ ना कुछ झूठे जुमलों में या फिर किसी और तरीके से बहकाने की कोशिश में लग जाते हैं, तो उनसे बच के रहिए, मतदाताओं को जागरूक करने की जरूरत है। इन्होंने अपने कांग्रेस भाइयों के अपील की है कि वो बढ़ चढ़ कर जनता को ये बताएं कि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में क्या क्या कार्य किए हैं और जो कि आज धरातल पर दिखाई देते हैं। इसके लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी।